बीवी के साथ बदलते भारत की शान। मसाला इंडिया के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, मसाला इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति। आज का हमारा मसाला इंडिया बेहद खास है। खास इसलिए कि आज हम जिस मसाले को लेकर आए हैं उसकी खुशबू हमारे व्यंजनों को एक खास जायका प्रदान करती है, और इसके बिना तो दक्षिण भारत की कोई भी सब्जी बन ही नहीं सकती। भारतीय पाक कलाओं में इसका उपयोग तड़के में सदियों से होता आया है। वड़ा, रसम और कड़ी तो इसके बिना सोची भी नहीं जा सकती। इसको खाली पेट खाने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। जी हाँ, सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं कड़ी पत्ता यानी कि करी लीव्स की। करी पत्ता एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है जिसका वैज्ञानिक नाम मुराया कोनिगी है। भारत में इसे मीठी नीम के नाम से जाना जाता है। करी पत्ते का पौधा भारतीय उपमहाद्वीप के जंगलों और बंजर भूमि में स्वाभाविक रूप से उगता है, लेकिन अब श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीप समूह में भी इसकी वाणिज्यिक खेती की जाने लगी है। कड़ी पत्ता की व्यावसायिक खेती कुछ ही समय पहले से की जाने लगी, और भारत में इसकी खेती बड़े पैमाने पे दक्कन के पठारी इलाके में होती है। कड़ी पत्ता को उपजाने वाले प्रमुख राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और असम में भी बड़े पैमाने पे इसकी खेती की जाती है। कड़ी पत्ता एक महत्वपूर्ण मसाला है जिसकी दक्षिण भारत में, विशेष रूप से तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों, कोयम्बटूर, तिरुपुर, डिंडीगुल जिले में खेती की जा रही है। कड़ी पत्ते की फसल में भरपूर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैल्शियम होता है। ग्रामीण भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में, कड़ी पत्ता रखने वाले अधिकांश घर अब पिछले कुछ वर्षों से, विशेष रूप से तिरुपुर और कोयम्बटूर जिले में, किसान इसकी आर्थिक रूप से खेती कर रहे हैं। इसकी उन्नत किस्में जैसे कि धाड़वार एक, धाड़वार दो और एक स्थानीय किस्म की मुख्य रूप से कृषक समुदायों द्वारा खेती की जा रही है, और बहुत सारे मूल्यवर्धन हैं जो कि करी पत्ते के साथ किए जा रहे हैं। करी पत्ते की पत्तियों को मूल्य उत्पादों के रूप में लिया जा रहा है, इन्हें संसाधित किया जा रहा है, और ये सूखे उत्पाद यूरोपीय देशों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका तक को निर्यात किए जा रहे हैं। करी पत्ते में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम की उत्कृष्ट मात्रा होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और इसका उपयोग विशेष रूप से सभी मांसाहारी भोजन की तैयारी के साथ साथ शाकाहारी भोजन की तैयारी में भी किया जाता है। इसके अलावा चिकित्सा उद्योग के द्वारा भी किया जा रहा है, ये पता लगाने के लिए कि किस तरह से इसका उपयोग कुछ औषधीय गुणों के लिए किया जा सकता है, विशेष रूप से घटक जो सभी यूरोपीय देशों में उपयोग किए जा रहे हैं। कड़ी पत्ते की खेती के लिए किसी प्रकार की विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता नहीं होती, और ये शुष्क जलवायु में भी आसानी से उपजाया जा सकता है। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन लाल बलुआ मिट्टी इसके लिए उत्तम मानी जाती है। कड़ी पत्ते के पौधे अधिक जल भराव को सहन नहीं कर पाते। इसकी खेती करते समय से ये ध्यान रखना चाहिए कि खेत में जल निकासी की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो।
भारत में मुख्यतः तीन प्रकार के करी पत्ते के पेड़ लगाए जाते हैं, नियमित, बौना और गमथी। नियमित प्रकार का करी पत्ते का पेड़ तेजी से बढ़ता है और लंबा होता है। इस पौधे की पत्तियों को आमतौर पर किराने की दुकान में बेचा जाता है। बौना प्रकार का करी पत्ता अधिक फैलावट वाला होता है। इसमें हल्के हरे रंग के पत्ते होते हैं, जो नियमित करी पत्ते के पेड़ की पत्तियों से अधिक लंबे होते हैं। गमथी प्रकार के कड़ी पत्ते के पेड़ में मोटी पत्तियां होती हैं और ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसमें सबसे अधिक सुगंध पाई जाती है। कड़ी पत्ते की खेती के लिए बीज जुलाई से अगस्त के महीने में परिपक्व फलों से एकत्र किए जाते हैं और मानसून की शुरुआत से ठीक पहले अंकुरण के लिए अच्छी तरह से तैयार नर्सरी में बोए जाते हैं। संग्रहित बीजों की तुलना में ताजे बीजों की अनुकरण दर बेहद अच्छी होती है, इसलिए नर्सरी तैयार करते हुए ताजे बीजों का इस्तेमाल होता है। रोपण के लिए बीज 3 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। नर्सरी में अंकुरण के बाद छोटे पौधे को उचित खाद मिश्रण के साथ पॉलीबैग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब पौधे 1 वर्ष के हो जाते हैं तब नर्सरी से निकालकर उन्हें खेत में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। पौधों को लगाने के लिए 1 से 2 फीट का गड्ढा खोदा जाता है और गोबर की खाद और पत्तियों के मिश्रण से भर दिया जाता है ताकि जमीन की उर्वरता बढ़ सके। पौधों के बीच की दूरी लगभग 90 से 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद मानसून के दौरान करी पत्ते के पौधों को इन गड्ढों में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। करी पत्ते के पौधे में लगने वाले आम कीट है साइट्रस तितली, साइलीड बग और स्केल। आमतौर पर करी पत्ते के पौधों में पाया जाने वाला रोग पत्ती धब्बा रोग है। इन सब से बचाने के लिए किसान जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। कड़ी पत्ते को खाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए किसान इसे रोगों और कीटों से बचाने के लिए नीम के तेल या तंबाकू के काढ़े का छिड़काव करते हैं। कड़ी पत्ते में लगने वाला प्रमुख कीट है सिट्रस बटरफ्लाई। इसका लार्वा गहरे भूरे रंग के साथ सफेद धब्बों वाला प्रारंभिक अवस्था में होता है। बाद के चरणों में यह हरे रंग में बदल जाता है और बेलनाकार आकार में होता है। इसकी रोकथाम के लिए बेसिलस कुरिंगिनेसिस 1 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करके नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा नीम का तेल 10 मिलीलीटर प्रति लीटर या क्विनल फॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का उपयोग भी किया जा सकता है। ये पत्तों को पूरी तरह से बचाता है। करी पत्ते की फसल अत्यधिक लाभकारी है। साल में किसान 3 से 4 बार पैदावार लेने में सक्षम हो सकते हैं। 1 एकड़ की फसल में वो 3 से 4 टन ताजे पत्ते एक बार में प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले भी कोविड-19 की वजह से बंद होने के बाद पत्तियों को चेन्नई, बैंगलोर और अन्य महानगरीय शहरों में भेजा जा रहा है और अब तो करी पत्ते के ताजा पत्तों को खाड़ी देशों, सिंगापुर और अन्य देशों में निर्यात किया जा रहा है। जहां भी एशियाई समुदाय निवास कर रहा है इसे हम निर्यात कर रहे हैं। मुनाफा बनने में 10 महीने तक का समय लगता है। पहली कटिंग 10 महीने और 4 महीने बाद होगी। पहले 2 वर्षों के लिए हम अधिक लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो निवेश कर चुके हैं उसे ले सकते हैं। 4 साल के बाद हमें पौधों के लिए लाभ और अच्छी कीमत मिलेगी। एक बार पौधा उगने के बाद हमें अच्छी राशि मिल सकती है। 5 वर्षों के बाद हम 1 एकड़ के लिए 5 से 6 टन कड़ी पत्तियां प्राप्त कर सकते हैं।
हम एक वर्ष में 3 बार उपज लेते हैं। बरसात के मौसम में अच्छी देखभाल करने की आवश्यकता होती है। कड़ी पत्ते का पेड़ 20 से 25 साल तक फसल देता है और फसल की पहली कटाई रोपण के 10 से 12 महीने के बाद की जा सकती है। इसकी पैदावार आम तौर पर पहले वर्ष के दौरान कम होती है, लेकिन बाद के प्रत्येक वर्ष में बढ़ती जाती है। रोपण के दूसरे वर्ष के बाद करी पत्तों की कटाई एक वर्ष में 3 बार की जाती है। इसमें पहले वर्ष में प्रति हेक्टेयर के लगभग 400 किलोग्राम पत्तियां प्राप्त होती हैं। दूसरे और तीसरे वर्ष में लगभग 5400 किलोग्राम और इसके बाद के वर्षों में प्रति हेक्टेयर लगभग 10000 किलोग्राम पत्तियां प्रति वर्ष प्राप्त की जाती हैं। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए समय समय पे इसकी चटाई की जानी चाहिए, जिससे नई पत्तियों को आने में मदद मिल सके। इसे प्रूनिंग या टॉपिंग विधि से किया जाता है। मसाला इंडिया में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं। इसके अलावा इसे बेहद खुशबूदार एसेंशियल ऑयल भी निकाला जा सकता है। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मसाला इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए करी पत्ते के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। कटाई के बाद पत्तियों को उनके आकार और गुणवत्ता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है और मांग और जरूरत के अनुसार मंडी में ले जाया जाता है। मैं प्रतिदिन 3 टन करी पत्ते की खरीद करता हूँ। कोयम्बटूर में मेरी दुकान है। हम मांग के अनुसार केरला को 1 टन करी पत्ते का निर्यात भी करते हैं। कोयम्बटूर में हम रोज करीब 1.5 टन करी पत्ते की बिक्री करते हैं। हम खुदरा और थोक स्थानों पर भी आपूर्ति करते हैं। कोयम्बटूर में करी पत्तों का सबसे बड़ा बाजार है मेट्टुपालयम और कराई माडाई। कड़ी पत्ते का मूल्य मांग पर आधारित होता है और हम आमतौर पर वास्तविक दर से 5 रुपए का मुनाफा रखते हैं। हम इसे खुदरा बिक्री पर 75% और थोक पर 50% तक का मुनाफा कमाते हैं। तमिलनाडु में ऐसे भी कई विक्रेता हैं जो प्रतिदिन 10 टन तक कड़ी पत्ता बेचते हैं। हम कड़ी पत्ते को किसानों से प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम सीधे केरला को निर्यात करते हैं और वो इसे अगली सुबह बेचते हैं, जबकि कोयम्बटूर के लिए हम दोपहर में पौधों को काटते हैं और इसकी बिक्री करते हैं। कड़ी पत्ते की खरीदारी मांग के अनुसार ही की जाती है ताकि इसे 1 दिन से अधिक न रखना पड़े। कड़ी पत्ते को ताजा खाने के अलावा इसे सुखाकर पाउडर के तौर पर मसालों में इस्तेमाल किया जाता है। करी पत्ते पोषक तत्वों में घने होते हैं। हमें इसे दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए क्योंकि ये आयरन और कैल्शियम से भरपूर है। अनीमिक रोगी के लिए करी पत्ते का सेवन लाभकारी है। जब हम करी पत्ते को देखते हैं तो हम आम तौर पर इसे अपनी प्लेट में अलग रख देते हैं। इसे बचने के लिए हम करी पत्तों को निर्जलित कर सकते हैं। हम सूर्य की ऊर्जा से चलने वाले ड्रायर का उपयोग करके निर्जलीकरण कर सकते हैं और फिर उन्हें पाउडर बनाकर सभी व्यंजनों में उपयोग कर सकते हैं। इस आधुनिक दुनिया में हम पैकेट बंद खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनमें कई संरक्षक होते हैं। ऐसे में जब हम सोलर ड्रायर का उपयोग करते हुए निर्जलीकरण करते हैं तो हमारे जैसे छोटे स्तर के व्यवसाय के लिए
एक उद्यमी बनने की संभावना होती है। इसके अलावा इसे बेहद खुशबूदार एसेंशियल ऑयल भी निकाला जा सकता है। कड़ी पत्ते को जब बेहद गर्म तापमान पर भाप में डिस्टिल किया जाता है, जिसके बाद इसको परिष्कृत करके हल्के पीले रंग का मसालेदार सुगंधित एसेंशियल ऑयल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में व्यापक तौर पर किया जाता है। कड़ी पत्ते के ताजे पत्ते भारतीय व्यंजनों और भारतीय पारंपरिक दवाओं का एक अनिवार्य हिस्सा है। वो सबसे पहले व्यापक रूप से दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में खाना पकाने में उपयोग किए जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और वजन कम करने में सहायक है। आइए जानते हैं कड़ी पत्ते को खाने के कुछ और फायदों के बारे में विस्तार से। कड़ी पत्ते में प्रचुर मात्रा में अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स और फिनोलिक होते हैं, जो इसे एक प्रभावी औषधि बनाते हैं। कड़ी पत्ते में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कड़ी पत्ते में कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कड़ी पत्ते में मौजूद आयरन और फॉलिक एसिड अनीमिया के खतरे को कम करने में मददगार है। मधुमेह के मरीजों के लिए कड़ी पत्ता मुख्य रूप में फायदेमंद होता है। कड़ी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में सहायक है। मसाला इंडिया में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम। ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे कड़ी पत्ते के हमारे इस सफर को। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है घी रोस्ट मशरूम। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। स्वागत है आप सभी का मसाला इंडिया में। हम बात कर रहे हैं करी पत्ते की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करी पत्ता को सभी भारतीय रसोइयों में व्यापक तौर पर तड़के के साथ इस्तेमाल किया जाता है और दक्षिण भारत के कई व्यंजन तो इसके बिना सोचे भी नहीं जा सकते, जैसे कि स्वादिष्ट और करारी रसम या फिर सांभर और वड़ा। चलिए चलते हैं हमारे शेफ के पास और उनसे सीखते हैं एक स्वादिष्ट रेसिपी के बारे में, जिसमें कड़ी पत्ते का स्वाद लाजवाब होता है। बहुत ही वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है करी लीफ, जिसको हम यूज़ करते हैं साउथ इंडियन कुजीन के अंदर और बचपन से हम खाते आ रहे हैं। जैसे कि आप सांभर में, आई एम श्योर आप सबके घरों में बनता है और हर कोई इसको जानता है इसका यूज़। चाहे इसके वेरियस बेनिफिट्स भी बहुत हैं, जैसे कि लीवर में काफ़ी हेल्पफुल करता है, आपकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं, उसके लिए काफ़ी काम आता है। आपकी बॉडी का लोअर कोलेस्ट्रॉल में भी काफ़ी हेल्प करता है, बॉडी लॉस में भी इसका काफ़ी बेनिफिट्स माने गए हैं। तो इसको आप चाहे तो जो अलग अलग यूसेज हैं वो आप चाहे तो इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ड्राई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। करी पत्ता भी इसको हिंदी में जैसे बोला जाता है तो लोग घरों में इसको सुखा लेते हैं और इसको काफ़ी तरीके से घरों में डिफरेंट पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है घी रोस्ट मशरूम। तो उसके लिए हमने जो करी लीव्स थी उसको एक मैरिनेशन में यूज़ किया था, उसके बाद एक हमने स्पाइस मिक्स बनाया था और उसको हमने दही के साथ मैरिनेशन करके हमने मशरूम्स को पहले मैरिनेट किया था, उसके बाद एक हमने घी के अंदर हमारे मसालों को टोस्ट करके एक बढ़िया सा मसाला बनाया था और उस मसाले के साथ हमने मशरूम को, जो मैरिनेटेड मशरूम से, उसको हमने पकाया था, तो जिसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया और टेस्टी था। आज जो हम बना रहे हैं वो हम बनाएंगे मशरूम के साथ और वेजिटेरियन के लिए भी मशरूम एक पैराडाइज है। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं मशरूम और इनको हम 1/2 में काट लेते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा मशरूम आएगा तो आप उसको 1/4 में भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में मैं ये धनिया ले रहा हूँ, साबुत धनिया,
करीब 2 चम्मच और 1 चम्मच के आसपास आपका जीरा, 4 से 5 आपके काली मिर्च और ये मेथी दाना। ये हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे पहले। चलिए मसाले में हमारा बहुत ही अच्छा अरोमा आ गया है और अब इस मसाले को हम एक बॉल में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। चलिए हमारा जो दूसरा मिक्स है उसके लिए हमें कुछ स्पाइसेस चाहिए और उसका भी हम पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ 1 दालचीनी, 1 स्टार एनिसीड, 3 से 4 आपके क्लोव्स चिलीज ले रहा हूँ, थोड़ा सा अनियन डालेंगे और अब इसके अंदर हम नमक और इसका एक पेस्ट बनाएंगे और जो कि मैरिनेशन के लिए यूज़ होगा। तो हल्की सी लाल मिर्च और इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक भी, ये इक्वल रेशियो में मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये जाएंगे 2 चम्मच हल्दी 1/2 टीस्पून के आसपास। चलिए अब हम बना लेते हैं हमारी पहले मैरिनेशन। इसके लिए हमें चाहिए दही, अब इसमें जाएगा हमारा ये चिली पेस्ट जो कि मसाले से है करीब 3 चम्मच और जाएगा हमारा ड्राई रोस्टेड मसाला जो है इसके अंदर, और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये कलर आ गया है। अब हम मशरूम्स को मैरिनेट करेंगे इसके अंदर थोड़े से। जो मशरूम हमने काटे थे इस मशरूम को हम एक बॉल में ले लेते हैं और अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। इसको हमें कम से कम 30 मिनट्स की मैरिनेशन के लिए रखना है। अब इसमें यहाँ थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला इसी के साथ। अब इसको रख दीजिए करीब 30 मिनट्स के लिए और फिर हम चलते हैं हमारे मसालों को बनाने के लिए। इसमें जाएगा खूब सारा घी, सिर्फ हम 2 से 3 चम्मच का ही इस्तेमाल करेंगे। अब डालेंगे इसमें हमारे करी लीफ थोड़े से फर्स्ट स्टेज के ऊपर यहाँ पे, और अब हम यहाँ डालेंगे हमारा ये मशरूम और इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। चलिए जैसे भी हमारे थोड़े से मशरूम यहाँ पक गए हैं और इसे अब अच्छी तरीके से भूनते रहना है जब तक ये एक बढ़िया सा डार्क कलर ये अपना लेगा, जब तक मसाले अच्छी तरीके से पक रहे हैं। तो इसे अब हमें पकाते रहना है। हल्की सी खटास के लिए हमने इमली पेस्ट लिखा हुआ है, हल्का सा जाएगा इसमें गरम मसाला, हल्का सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी शुगर की जगह हम कर रहे हैं गुड़ हल्का सा यूज़, और साथ ही साथ अब हमारे मसाले में हम ये कोकोनट भी डाल रहे हैं, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रख लेंगे और बाकी कोकोनट हम इसी में भून लेते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे भूनना है जब तक कि जो हमारा गुड़ है वो कैरमलाइज हो जाए, इमली भी अपनी खटास छोड़ दे अच्छी तरीके से पकने के बाद, और मसाले जो हैं वो मशरूम पे अच्छे तरीके से कोट हो जाएं। एक ड्राई मसाला बनाना है देखिए, और ये रेसिपी में आप इसको किसी भी डोसे के साथ, नीर डोसे के साथ, मालाबार पराठा के साथ, किसी भी चीज़ के साथ गर्मा गर्म इन्जॉय कर सकते हैं। देखिए मसाला कितने अच्छे तरीके से कोट हो रहा है इसके ऊपर। हमें बेसिकली इसका पानी अच्छी तरीके से सुखा लेना है, बिल्कुल ड्राई मसाले रोस्ट होके मशरूम पक जाने चाहिए, एक अच्छी बाइट रहनी चाहिए इसके अंदर। हमारे करी लीफ का तड़का लेंगे हमारा थोड़ा सा कोकोनट, करी लीव्स ने अपना काम कर दिया है, बहुत ही अच्छी महक आ रही है, काफ़ी फ्रेग्रेंट है। चलिए तो हमारी ये डिश तैयार है, हमारे मशरूम घी रोस्ट, मेरा वर्जन ऑफ मंगोलियन मशरूम घी रोस्ट का। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर तैयार करेंगे।
स्वाद और सुगंध के इस सफर में हमने आज जाना करी पत्ते की खेती, उसके उपयोग और फायदों के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही खुशबूदार मसाले के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।